आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस इससे पहले जिस टॉपिक की हमने बात की थी वो था कॉर्डेट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन स्टूडेंट ये तो हमें पता है कि कॉडेट क्या है इसके अलावा इसके फीचर्स भी मालूम क्या बेसिक फीचर्स हैं लेकिन उनके अलावा भी कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनसे हम इनको डिफ्रेंशियट कर सकते हैं जिनकी मैं आपको बात करूंगा तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फीचर है नर्व कॉर्ड कोडेट्स में नर्व कोड प्रजेंट नॉन कोडेट में नर्व कोड एबसेंट देक्स्ट नोटो कोड कॉडेट में प्रजेंट नॉन कॉडेट में एबसेंट इसके बाद जो फीचर है वो है स्लिट्स कोडेटा में प्रेजेंट होगी नॉन कोडेटा में एबसेंट होगी देन नेक्स्ट बॉडी सिमेट्री कोडेटा में बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री पाई जाती है नॉन कोडेटा में रेडियल और बाय रेडियल सिमेट्री पाई जाती है नेक्स्ट फीचर है टेल कोडेट्स में टेल प्रेजेंट होगी नॉन कोडेट में टेल एबसेंट होंगी तो ये सारे फीचर्स थे जो कोडेटा और नॉन कोडेटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं आगे देखते हैं अगला फीचर है जर्म लेयर। कोडेट्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक नॉन कोडेट में डिप्लोब्लास्टिक इसके बाद हम देखेंगे बॉडी कैविटी कोडेट में ट्रूसिलोम होते हैं नॉन कोडेट एसिलोमेट और सीडोसीलोमेट होते हैं नेक्स्ट है गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल कोडेटा में वेंट्रली साइड ऑफ नर्व कोट पाई जाती है नॉन कोडेटा में डोर्सल साइड ऑफ नर्व कोट पाई जाती है नेक्स्ट फीचर है ब्लड सर्कुलेशन कोडेटा में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है नॉन कोडेटा में ओपन पाया जाता है देन हार्ट हार्ट की पोजीशन कोडेटा में वेंट्रल होती है एंड नॉन कोडेटा में डॉर्सल साइड होती है तो स्टूडेंट्स ये सारे करेक्टर थे जो हमने इस स्लाइड में देखे जो कोडेटा एंड नॉन कोडेटा को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं जर्म लेयर्स बॉडी कैविटी गट ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एंड हार्ट की पोजीशंस। तो इसी तरीके से कुछ फीचर्स हम और आगे देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर हैं उनको भी हम ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट फीचर है रेस्पायरेशंस कॉडेट्स में रेस्पायरेशंस थ्रू द गिल्स एंड लंग्स के थ्रू होता है नॉन कॉडेट्स में बॉडी सरफेस या ट्रिकिया रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं नेक्स्ट फीचर है ब्रेन ब्रेन की पोजीशन क्या है कॉडेट में ब्रेन की पोजीशन डोर्सल टू फेरिंग्स होगी मतलब फेरिंग्स के ऊपरी से में पाए जाएंगे नॉन कॉडेड में एब फेरिंग्स इफ़ प्रेजेंट अगर ब्रेन पाया जा रहा है तो वो फेरिंग्स के ऊपर पाया जाएगा इसके बाद नेक्स्ट है रीजनरेशंस मतलब पुनर्जननन की क्षमता कॉडेट में बिल्कुल एबसेंट होती है नॉन कॉडेड में प्रेजेंट होती है नेक्स्ट फीचर है बॉडी टेम्परेचर मोस्टली कॉडेड कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड होते हैं नॉन कोडेड ओनली कोल्ड ब्लडेड होते हैं कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर चेंज होता है और इसमें ओनली कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे नेक्स्ट फीचर है नर्वस सिस्टम कोडेड में होलो नर्वस सिस्टम पाया जाता है नॉन कोडेड में सॉलिड एंड वेंट्रिली साइड पाया जाता है एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे तो कॉडेट्स में कौन से एग्ज़ाम्पल आते हैं हेमी कोडेटा साइक्लोस्टोमेटा एव्स रेप्टाइल्स एम्फीबिया एंड मेमल्स नॉन कॉडेट के एग्ज़ाम्पल्स होंगे प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, एनलिडा एक्सेट्रा थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन